पुरानी जो बोहरान है, जाम खान शोरो साहब, थोड़ा सा सिंधी उर्दू सब कर लूंगा, जाम खान शोरो साहब कल इस्लामाबाद थे और उन्होंने शदीद एहतजाज किया सिंध के हक के लिए। जो पानी की तकसीम सही नहीं हो रही है, उन्होंने इस मीटिंग से वॉकआउट भी किया। हुकूमत चाहे हमारी कोलेशन हुकूमत हो वफाक में, लेकिन सिंध के हकूक के लिए हम किसी को नहीं माफ करेंगे और हम अपने हकूक लेके छीन के रहेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि मिनिस्टर साहब ने जो वहां कल एहतजाज किया है उससे हमें फायदा होगा। मैं वजीर आजम से बात करूंगा, हम वफाकी वजीर पानी से बात करेंगे कि हमें अपने हिस्से का पूरा पानी मिले। और मैं नवाब साहब से भी कहूंगा, मीर साहब से, मीर मुनव्वर टालपुर साहब से, कि कौमी असेंबली में भी इस बात को यकीनी बनाएं। और उधर और करते हैं, मुझे पता है मीर साहब जब बात करते हैं वो सिंध के हक की बात करते हैं और पानी की बात करते हैं। हम अपने लोगों को ऐसे इंशाल्लाह ताला नहीं छोड़ेंगे, हम अपने हकूक पूरे लेके रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला आपकी हुकूमत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की गाइडेंस में, उनकी कयादत में, आपको कभी मायूस नहीं करेगी। और इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने कहा, हम अपने हक लेके रहेंगे। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और खास तौर पर यहां के जो लोकल्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग एक कौमी प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इधर इंशाल्लाह ताला काम शुरू होगा, एक साल का कंस्ट्रक्शन पीरियड है।